गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जय श्री राम। दिस इज केशव झा और आज 74वां दिन और 74 दिन से चल रहा है प्रभु रामचरितमानस का पाठ। तुलसीदास रचित रामचरितमानस का सुंदर स्वर में, पिताजी के सुंदर स्वर में राम कथा का गुणगान चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, हमारे साथ देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और ओवर टू पिताजी नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राम सिया राम, जय जय राम, बार बार पद लागयो बिनय करौं दासीस, पर हरि मान मोह मद भजौ कोसला देसिया बर हम, जय जय राम। हे दासीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ, विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर अब कौशल पति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस निज शिष्य सनो कही पठई हवात, सुरसु मैं प्रवसन कही पाई सु अवसर तात, सिया भर राम जय जय राम। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। एतात सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ये बात प्रभु आपसे कह दी है। माल बनते थे सच विषय आना, तासु बचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तब नित विभूषण, सो उर्धरों से कहत विभीषण है। सीताराम मालवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना। एतात आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाला अर्थात नीतिवान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करसन कात सत दो दूर न करो यहाँ है को, माल ब्रंत गिरी गयो बहोरी कहो विभीषण पुनिकल जोरी। रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है इसे दूर करो, इसे दूर न करो। तब वन मालवंत तो घर लौट आया, विभीषण जी हाथ जोड़ कर फिर कहने लगे क्या, तो सुमति कुमति सबके उर रहिए, अनाथ पुराण निगम यस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, आ जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विभीषण जी कह रहे हैं हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएँ सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वह परिणाम में क्या, तो विपत्ति दुख होती रहती है।